आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही क्यूट शो चुपके चुपके, जिसके कुल 31 एपिसोड हैं। शो में चार मुख्य किरदार फाजी, हादी, मिशी और मीनू हैं। ड्रामा नवाब खानदान के बारे में है। नवाब साहिब की दो बीवियां थी, नायक परवार और नायक बख्त। नवाब साहिब ने इन दोनों के साथ यकसां सलूक किया और वो मुलिका मकानों में रहते हैं। एक नवाब हाउस कहलाता है जहां नायक बख्त रहते हैं और दूसरा नवाब वाला जहां नायक परवार रहते हैं। दोनों बीवियों के दरमियान कभी ना खत्म होने वाले तनाजात हैं, क्योंकि नवाब साहिब ने नायक परवार के साथ अपनी शादी के 2 माह बाद ही नायक बख्त से शादी कर ली थी। नायक परवार और नायक बख्त दोनों के 2 बच्चे हैं। नायक परवार के 2 बेटे हैं, कामिल और किफायत। बड़ा बेटा कामिल एक बीवी किश्वर और 2 बेटे हादी और वलीद को छोड़कर मर गया। छोटे बेटे किफायत का पोल्ट्री फार्म का कारोबार है और इसकी शादी कनीज से हुई है। उनकी 2 बेटियां हैं, मनेहा मीनू और मुनीबा मिर्ची। नेक बख्त का एक बेटा और एक बेटी है। इसकी बेटी अपने खानदान के साथ टोरंटो में रहती है। इसका बेटा इब्राहिम और इसकी अलिया हज के दौरान फौत हो गए हैं। मुसलमान हाजी 3 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गए हैं। बड़ी बेटी गुलराना गिल और बेटा फायज फाजी जुड़वा है, लेकिन गुल 1 मिनट की बड़ी है। छोटी बहन का नाम रामेयन रूमी और सबसे छोटी रमिशा मिशी है। गिल की शादी मिस्कीन से हुई है जो अपने ससुराल में रहती है। इन दोनों की शादी को 5 साल गुजरने के बावजूद औलाद नहीं हुई, जबकि रूमी की शादी अरमान मानी से हुई है। मिशी गैर शादीशुदा है और उसे हादी से प्यार है। तीनों बहनें और फाजी की दादी सभी फाजी के लिए एक मुनासिब बीवी की तलाश में है, लेकिन नाकाम रहती है क्योंकि फैजी एक पढ़ी लिखी और बालिग लड़की से शादी करना चाहता है। हादी बेरोजगार है और इसकी माँ और दादी भी इसके लिए मुनासिब इत्तेहाद तलाश करने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ मीनू एक लापरवाह और अनाड़ी लड़की है जो हमेशा फाजी के साथ परेशानी में मुबतला रहती है, जिसे किफायत ने उसे ट्यूटर करने के लिए कहा है। मीनू सिर्फ अपनी पढ़ाई और इसके ट्यूटर फाजी से जान छुड़ाना चाहती है। ऐसा होता है कि किश्वर कनाडा में रहने वाले हादी के लिए मैच ढूंढने में कामयाब हो जाती है। लड़की के वालिद कनाडा में एक रेस्तोरा के मालिक हैं और उम्मीद करते हैं कि हादी अपनी बेटी की शादी के बाद आकर कारोबार संभाल लेगा। लेकिन लड़की के दूसरे मंसूबे थे। उनकी शादी से 1 दिन पहले वो हादी को ये बताने के लिए फोन करती है कि उसने पहले ही अदालत में किसी से शादी कर ली है। शादी मिशी की खुशी में मनाई जाती है। मिशी ने हादी की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया, जो इब्तिदा में फास के साथ अपनी दोस्ती और माँ और बेबे के दरमियान तसादुम की वजह से इसके लिए अपने बढ़ते हुए जज्बात को कबूल करने से गुरेजा है। इसी दौरान एक खानदान अपनी बेटी हानिया के लिए फाजी से मिलने आता है, जो सिर्फ वही लड़की है जो फाजी को बीवी के लिए चाहती थी। हानिया का एक भाई आशिर भी है। हानिया के वालदेन भी हानिया के साथ आशिर की शादी करना चाहते हैं। अम्मा और गुल को लगता है कि सूरत हाल बिल्कुल ठीक है और वो मिशी की शादी उसी खानदान में कर सकती है जिसमें फाजी है। लेकिन एक उलझन की वजह से हानिया के वालदेन मीनू को देखते हैं और मीनू को अपनी बहू के तौर पर मुंतखब करते हैं। उनका ख्याल है कि मीनू उनके बेटे के लिए बेहतरीन मैच साबित होगी। वो मीनू के खानदान से इत्तेहाद करते हैं और कुछ बातचीत के बाद वो राजी हो जाते हैं। ये तय है कि मीनू और फाजी दोनों की शादी एक ही दिन होगी। मिशी का प्रपोजल हानिया के कजिन के साथ तय है। हादी को एहसास हुआ कि वो मिशी के लिए गिर गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मिशी की जल्द ही मंगनी होने वाली थी। शादी के दिन मालूम हुआ कि आशिर दर हकीकत शादीशुदा है और इसकी 3 बेटियां भी हैं। वो सिर्फ बेटा पैदा करने के लिए दूसरी बीवी की तलाश में था। मीनू का खानदान तबाह हो गया और शादी को मनसूख कर दिया। हत्ता की फाजी की हानिया से शादी भी मनसूख कर दी गई। मिशी की मंगनी भी टूट गई। नवाब खानदान की साख को बरकरार रखने के लिए दोनों खानदानों ने फैसला किया कि फाजी और मीनू की शादी कर दी जाए। आहिस्ता आहिस्ता फाजी और मीनू में एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा होने लगते हैं, लेकिन उन्हें गुल अम्मा और बेबे की मुखालिफत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी कभी ना खत्म होने वाली तसादुम है। लेकिन फिर बड़े अब्बा नवाब साहिब के बड़े भाई आते हैं, जिनकी दोनों खानदान इज्जत और खौफ रखते हैं। बेबे और अम्मा के दरमियान लड़ाई देखने के बाद और ये समझने के बाद कि उनकी लड़ाई से फाजी और मीनू का रिश्ता खराब हो जाएगा, उसने मीनू को बगैर किसी जश्न या इत्तला के नवाब हाउस रुखसती भेज दिया। ये गुल के साथ ठीक नहीं होता और वो रूमी की मदद से दोनों के दरमियान मसाइल पैदा करने लगती है। दूसरी तरफ हादी और मिशी को प्यार हो गया है और उनका रिश्ता मीनू को मालूम है। बड़े अब्बा चाहते हैं कि हादी उनकी पोती से शादी करे और खानदान में हर कोई इस इत्तेहाद को कबूल करता है, सिवाय हादी के जो मिशी से शादी करना चाहता है।
रूमी हामिला पाई गई है। जल्द ही फाजी को भी हादी और मिशी के बारे में पता चल जाता है और वो हादी पर भरोसा तोड़ने पर नाराज हो जाता है। बेबी, अम्मा और किश्वर भी हादी मिशी के रिश्ते के बारे में जानती है और वो सब हादी और मिशी को एक दूसरे से शादी ना करने के लिए जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हैं। जब फाजी को मालूम हुआ कि मीनू को हादी और मिशी के रिश्ते के बारे में मालूम है तो वो नाराज हो जाता है और उसे घर छोड़ने को कहता है। मीनू नवाब हाउस से निकलकर नवाब वाला वापस आती है। मिशी के लिए एक इत्तेहाद मिल गया है और इसके लिए फाजी मीनू को अपने साथ ले जाने के लिए नवाब हाउस आता है। मीनू जाने से इनकार कर देती है और फाजी गुस्से में आ जाता है, इस पर हाथ उठाने वाला है लेकिन नहीं करता। लेकिन मिर्ची बाहर निकलकर घर वालों को बताती है कि फाजी ने मीनू को थप्पड़ मारा था। हादी मीनू के साथ बदतमीजी करने पर फावजी से सवाल करता है और लड़ता है और अपने साथियों के सामने मिशी से अपनी मोहब्बत का ऐलान करता है। मीनू इस गलतफहमी को दूर करती है कि फाजी ने इस पर हाथ नहीं उठाया। मिशी किसी को बताए बगैर घर से निकल जाती है। बरेबा के मुआहिदे के बाद हादी ने मिशी को हर जगह तलाश करने की कोशिश की कि अगर हादी दो दिन के अंदर मिशी को वापस ले आए तो वो उनकी शादी कर देगा, लेकिन अगर वो उसे ना ढूंढ सका तो उसे बड़े अब्बा की पोती नताशा से शादी करनी होगी। हादी मिशी को तलाश करने में नाकाम रहता है और हर कोई नताशा के साथ अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देता है। मीनू ने गुल के सामने उनके रिश्ते का मौकिफ ना लेने की वजह से फाजी से तलाक लेने का फैसला किया, लेकिन अब फैजी अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं। फाइज गुल को आईना दिखाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और मीनू से माफ़ी मांगती है। गिल भी हामिला पाई गई है। हादी अपनी शादी से एक दिन पहले कॉल पर मिशी से बात करता है, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और हादी को सही वक्त पर मौकिफ इख्तियार करना चाहिए था। बेबे और अम्मा गैर मुतवक्के तौर पर अच्छे दोस्त बन गए। शादी का दिन आता है और सब खुश होते हैं सिवाय हादी के, जो उसके जज्बात को ना समझने की वजह से अपने घर वालों से काफी तल्ख है। निकाह उनके मुताबिक नताशा के साथ होता है, लेकिन जब वो दुल्हन का पर्दा उठाता है तो पता चलता है कि हादी की शादी मिशी से हो चुकी है। ये इंकिशाफ हुआ है कि सब कुछ मंसूबा बंद था और हर कोई सिवाय हादी और मीनू उनकी शादी के मंसूबे में शामिल था। मीनू, जो सोचती थी कि फाजी हादी और मिशी के रिश्ते को कबूल ना करके गलत कर रहा है, जब उसे मालूम हुआ कि फाजी उनकी शादी के मंसूबे में शामिल था। हादी ने फैजी का शुक्रिया अदा किया और इंकिशाफ किया कि मीनू ने जो तलाक के कागजात खला नोटिस उसे भेजे थे वो जाली थे, जो हादी ने लिखे थे, और वो फाजी को जांचने की कोशिश कर रहे थे। फाजी ने मीनू से अपने रवैये के लिए माजरत की और दोनों में सुलह हो गई। कहानी दोनों जोड़े फाजी मीनू और हादी मिशी के खुशी से शादीशुदा दिखाए जाने पर खत्म होती है। मैंने हमेशा महसूस किया कि उन्हें हादी और मिशी के दरमियान मुनासिब गुफ्तगू के साथ शो का इख्तिताम करना चाहिए था, क्योंकि वो शो में हकीकी ताकत वाले जोड़े थे। इसकी वजह ये हो सकती है कि मैं हमेशा हादी और मिशी की जोड़ी को शो में दूसरे लोगों से ज्यादा पसंद करता हूँ। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती होती है। देखने के लिए आपका शुक्रिया।